प्लीज सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यू कैन सी दैट टुडे इज अ रेनी डे हेयर एंड कितना अच्छा मौसम लग रहा है एंड बारिश हो रही है इस टाइम। सुबह के बजे हैं ऑलमोस्ट 9 o'clock। सो आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग हॉल टुडे एंड द स्टोर नेम आई एम गोइंग टू विजिट टुडे इज कॉल्ड हैरी स्काफ एंड दैट इज अ बेडिंग स्टोर हेयर। So I have to buy some pillows from there, so that's why I am going in the morning only. So let me take you along with me. तो अभी बस मैं बस में हूँ एंड ये शॉपिंग सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर है। ऑलमोस्ट पहुँचने में 40 to 45 minutes लग जाते हैं बिकॉज़ ये हैरी स्काफ जो है ये बेडिंग स्टोर है एंड दैट्स वाई मुझे यहाँ पर आना पड़ा टू बाय द स्टफ। सो आई थॉट लेट मी टेक यू अलॉन्ग विद मी। So you can see that a sale is going on here and almost many things are at 40% off and as Mother's Day is around the weekend so बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान जो है वो Mother's Day के लिए आया था यहाँ पे and you can see here that they have so many good color sweaters here. These are like थोड़ा पतला जो jumper है वो रहता है and these are the knitted slippers. बहुत ही cute slippers हैं. If you are planning to gift something to your mom on Mother's Day, so you can come and have a look here. And काफ़ी अच्छा जो है वो house decor का भी सामान यहाँ पे available है. You can see this beautiful geraniums. इनका price around $75 है. And you can see some artificial plants also here. Around $80 is the price of this. And ये जो small flowers हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे. But yes, they are very expensive. These were around $100 for this small vase with the flowers. And काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे ये जो crockery है printed crockery वो मिलती है. So these all is the loose crockery. In case you want to buy something nice, if your mom likes this, you can come and have a look here. And काफ़ी अच्छे जो हैं वो coffee mugs and tea mugs के collection भी available रहता है यहाँ. So there are many floral options also, many natural printed options also. And if you want, you can just come and check it out here. Everything was going on at around 40% off, जो भी ये crockery है उस पे. And ये these are some beautiful glasses. सो काफ़ी सारी जो हाउस रिलेटेड क्रॉकरी और बेडिंग है उसकी वैरायटी रहती है इस स्टोर पे. इट्स अ वेरी बिग रिटेल चेन एंड दिस सेक्शन इज फॉर एनिमल प्रिंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो जो भी ऑस्ट्रेलिया में कॉमन एनिमल्स जो हैं एज वाइल्ड लाइफ इज़ क्वाइट फेमस इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके जो प्रिंट्स हैं वो रहते हैं इस पे. And there is this clothing section. They had some really nice collections. So sometimes I buy some dresses from here. तो काफ़ी अच्छी जो क्लोथ क्वालिटी है वो रहती है for the dresses and the clothes here. So after visiting Harry Scarf, there is outside this dollar shop. So I went here. They also have a very very nice collection of paintings and mirrors. And after finishing this, I went to Kohl's क्योंकि flowers तो हमेशा ही मुझे लेने होते हैं. So I just thought of taking a bunch of flower from Kohl's. So after buying this Kohl's stuff and Harry Scarf shopping, I thought to go out and have some desi food. So today I came to Harry Scarf for shopping of pillows. तो आपने देखा हाँ इज़ द स्टोर हेयर एंड हैरी स्काफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बिग जो है वो रिटेल आउटलेट है फॉर बेडिंग, फॉर हाउस क्रॉकरी एंड ऑल द मोस्टली बेडिंग रिलेटेड स्टफ एंड क्लोथिंग सेक्शन भी है इनके पास. सो इन सब की क्लिप्स तो आपने देखी एंड अभी बस मैं थोड़ी देर में घर जाने वाली हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे रुकी हूँ एंड आई वांट टू हैव सम गोलगप्पे हेयर. मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे गोलगप्पे, चाट पापड़ी
जो है वो मिलती है, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इंडियन स्टाइल, तो ये पाकिस्तानी स्टाइल की जो है वो दही पूड़ी बोलते हैं हम इसे इंडिया में, बट इसमें विद वाटर जो है वो दही वाले गोलगप्पे मिलते हैं. सो देवर टेलिंग कि ये थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल है, तो चलिए अगेन वंस मोर मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं कि आज ये जो है इनका फ्लेवर कैसा रहता है, कैसे बनते हैं ये. सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलगप्पे हैं दही वाले एंड काफ़ी टेस्टी जो है वो लग रहे हैं, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे हैं. सो गाइज, आई हैव ईटन गोलगप्पे, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी आज उसमें. सो अगर आप लोगों को तीखा पसंद है एंड आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, तो यहाँ ये टारनेट शॉपिंग सेंटर में आप आ सकते हैं. ये चमन्स बोल के स्टॉल है यहाँ पे, तो ये तीखे जो भी पानी पूरी समोसा चाट वगैरह है, इफ़ यू लाइक इट यू कैन कम हेयर. लास्ट टाइम मेरे साथ स्माइली आया था, सो आई प्रिसाइजली टोल्ड कि ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी है, तो शायद उस टाइम इतना तीखा नहीं था, बट आज तो मुझे बहुत मिर्ची लगी इसमें. बट एनीवेज, अच्छा है, कभी कभी ही चाट खाने को मिलता है वैसे ही हम लोगों को यहाँ. तो अभी बारिश भी जो है वो रुक गई है, 11:30 बज रहे हैं, 11:30 टाइम इज़ द इन द मॉर्निंग, एंड बस अभी मेरी बस का टाइम भी हो गया है, एंड मेरे को एक बस पहले की लेनी थी, बट देन फिर अगर मॉल आओ तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है कैजुअल ब्राउजिंग करने में, क्योंकि हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम काफ़ी कैजुअल ब्राउजिंग में ही टाइम लगा देते हैं. सो नाउ आई एम जस्ट लीविंग, मेरी बस का टाइम हो गया है, सो आई विल कैच अप विद यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. एंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं अभी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑफ लेटली आप सबको पता है कि इंडिया में हाउ इज़ द सिचुएशन. सो फर्स्ट मेरे पेरेंट्स जो है दे वर सफरिंग फ्रॉम करोना, एंड नाउ बाय द गॉड ग्रेस दे हैव रिकवर्ड. एंड फिर मेरी मदर इन लॉ को करोना हो गया था, एंड अभी वो भी रिकवर कर रही हैं, सो दे ऑल आर फाइन नाउ. सो आई एम प्लानिंग टू गेट बैक टू नॉर्मल इन सम टाइम. सो फिर मिलेंगे एक न्यू वीलॉग के साथ. आई होप कि आप सबके घर में सब अच्छे से रहें, सब सेफ रहें, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विद बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियो, एंड सी यू अगेन लेटर. बाय बाय.